हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेश कुमार। आज हम फ्रूट प्रोडक्शन में दूसरा अपना फ्रूट प्लांट है अमरूद गवावा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अमरूद गवावा, इसे एप्पल ऑफ द ट्रॉपिक्स, इसे क्या कहते हैं, एप्पल ऑफ द ट्रॉपिक्स भी कहते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय का सेब कहते हैं। अमरूद का वैज्ञानिक नाम, अमरूद का वैज्ञानिक नाम है सीडियम गवाजावा, सीडियम गवाजावा। अमरूद का वैज्ञानिक नाम क्या है, सीडियम गवाजावा। और इसका जो कुल है, इसकी जो फैमिली है, कुल है इसका मृटेसी। कौन सा कुल है, मृटेसी कुल है। और इसमें गुणसूत्र संख्या, जो क्रोमोसोम नंबर है, गुणसूत्र संख्या कितनी है, 22। क्रोमोसोम नंबर 12 बराबर कितने हैं, 22। उत्पत्ति स्थान या उत्पत्ति स्थल ओरिजिन प्लेस का मतलब मैक्सिको पेरू, मैक्सिको पेरू उत्पत्ति स्थल का मतलब है मैक्सिको पेरू। फल प्रकार, फल प्रकार है सरस, फल प्रकार है सरस, सरस या बेरी। खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग है फल भित्ति, फल भित्ति पुष्पासन की संपूर्ण भाग, फल भित्ति। और जलवायु, जलवायु के लिए, इसके लिए जलवायु के लिए, इसके लिए उष्ण और उपोष्ण जलवायु उसके लिए उत्तम मानी जाती है, उष्ण और उपोष्ण जलवायु इसके लिए उत्तम मानी जाती है। और तापमान 20 से 30 डिग्री, लगभग 20 से 30 डिग्री, या फिर 23 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उचित होता है। मृदा ग्लूई दोमट मृदा उत्तम मानी जाती है, जिसका पीएच मान 6.5 तक हो, पीएच मान कितना हो, 6.5 तक। सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य, सर्वाधिक अमरूद उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक अमरूद उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश। और सर्वाधिक उत्पादन वाला देश, सर्वाधिक अमरूद उत्पादन वाला देश है अपना भारत, और राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश। गड्ढे का आकार, इसमें गड्ढे का आकार है 75 × 75 × 75 सेंटीमीटर, यानी 0.75 × 0.75 × 0.75 मीटर। आकार के गड्ढे तैयार कर लिए जाते हैं वर्षा काल से पहले, और गड्ढे तैयार करके खुले छोड़ दिए जाते हैं। रोपण दूरी, रोपण दूरी रखी जाती है 8 × 8 मीटर, कितनी, पौधे से पौधे की दूरी 8 × 8 मीटर। और जो अति सघन रोपण है, अति सघन रोपण, सघन रोपण को कितने पर किया जाता है, 3 × 6 पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी। तो अति सघन रोपण यानी मेडो आर्चर, मेडो आर्चर यानी अति सघन रोपण, उसमें कितनी रखी जाती है, 2 × 1 मीटर, 2 × 1 मीटर। अमरूद में पेक्टिन की मात्रा अधिक होती है, अमरूद में पेक्टिन की मात्रा अधिक होती है, जिसका सर्वाधिक उपयोग किसके लिए किया जाता है, जेली बनाने के लिए किया जाता है, जो लोकप्रिय उत्पाद है। पेक्टिन की मात्रा अधिक होने के कारण किसके लिए किया जाता है, जेली बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, कौन सा विटामिन पाया जाता है, इसमें विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है, कितना होता है, 300 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होते, कितना होता है, 300 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम गुदे में, यानी कि जो फल का गुदा होता है उसमें विटामिन सी होता है, 100 ग्राम गुदे में 300 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। राजस्थान में सर्वाधिक अमरूद, राजस्थान में सर्वाधिक अमरूद सवाई माधोपुर, राजस्थान में सर्वाधिक अमरूद उत्पादन का होता है सवाई माधोपुर। और इसमें जो विटामिन सी पाया जाता है 300 मिलीग्राम होता है,
और इसी पोषण मान के कारण इसे क्या कहा जाता है, एकल कोशिका ट्रोपिक से कहा जाता है, यानी उष्णकटिबंधीयों का सेब कहा जाता है। इस कारण इसी पोषण मान के कारण इसे क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीयों का सेब कहा जाता है। अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र, अमरूद उत्कृष्टता केंद्र का अंतर है, अमरूद उत्कृष्टता केंद्र देवदास टोंक अंतर है, देवदास टोंक अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, अमरूद उत्कृष्टता केंद्र देवदास टोंक। परवर्धन, परवर्धन इसमें क्या होता है, माउंट डेरी डेरीदार या स्कूलिंग, माउंट डेरी डेरीदार या स्कूलिंग, तो माउंट डेरी या फिर डेरीदार या स्कूलिंग इसमें क्या करते हैं, पौधे को यहां से जमीन की सतह के पास से काट दिया जाता है और यहां से कुछ दिन बाद में क्या निकल आती है, यहां से शाखाएं निकल आती है और इनको मिट्टी से दब दिया जाता है, वापस इनको मिट्टी में दबा दिया जाता है, यहां से बाहर हटा करके कुछ समय पश्चात यहां से डंडे निकल आती है, इनको शाखाओं को अलग अलग करके अलग अलग जगह पर लगा दिया जाता है, यानी स्कूल के तरह। तो इसमें व्यावसायिक परिवर्तन की विधि कौन सी है, स्टूलिंग या माउंड डेरिंग जिसे डेरी धाग बोलते हैं, ये परिवर्तन की विधि है। बाहर अमरूद में क्या होती है, बाहर होती है तीन अंबे मरग हस्त तीन प्रकार की बाहर होती है जिनमें अलग अलग बाहर से फल लिए जाते हैं और इनका पुष्पन का समय और तुड़ाई का समय अलग अलग होता है, जैसे अंबे बाहर मृग बाहर और हस्त बाहर, कितनी बार होती है, अंबे मरग हस्त अंबे मृग हस्त अंबे बाहर। इसमें पुष्पन का समय होता है अंबे बाहर में फरवरी मार्च, कब होता है फरवरी मार्च, पुष्पन का समय फरवरी मार्च और तुड़ाई का समय होता है जुलाई अगस्त, तुड़ाई का समय कब होता है जुलाई अगस्त, अंबे बाहर में फरवरी मार्च इसका पुष्पन का समय और तुड़ाई का समय कब होता है जुलाई अगस्त। मृग बाहर, मृग बाहर, मृग बाहर में पुष्पन का समय है जुलाई अगस्त और इसके तुड़ाई का समय नवंबर दिसंबर, मृग बाहर में पुष्पन का समय जुलाई अगस्त और तुड़ाई का समय नवंबर दिसंबर। हस्त बाहर अक्टूबर नवंबर, पुष्पन का समय कब है अक्टूबर नवंबर और मार्च अप्रैल तुड़ाई का समय है, मार्च अप्रैल क्या है तुड़ाई का समय है। अंबे बाहर पुष्पन का समय फरवरी मार्च तुड़ाई का समय जुलाई अगस्त, पुष्पन का समय फरवरी मार्च और जुलाई अगस्त तुड़ाई का समय। मृग बाहर जुलाई अगस्त में पुष्पन का समय है और तुड़ाई का समय है नवंबर दिसंबर, और हस्त बाहर में अक्टूबर नवंबर पुष्पन का समय और मार्च अप्रैल तुड़ाई का समय। देखो राजस्थान के लिए सबसे अच्छी जो फल लेने वाली बाहर है कौन सी है, मृग बाहर, राजस्थान के लिए सबसे अच्छी जिससे सबसे अच्छे मीठे और रोग रहित फल प्राप्त होते हैं, इस बाहर में सबसे अच्छे मीठे और रोग रहित फल प्राप्त होते हैं, कौन सी बाहर में मृग बाहर, अतः मृग बाहर में क्या लेना चाहिए फल लेने चाहिए। बाहर नियंत्रण, बाहर नियंत्रण में क्या कहते हैं कि पौधों के फूल आने से एक माह पूर्व, पौधों में फूल आने के पौधों में फूल आने के एक माह पूर्व सिंचाई रोक दी जाती है, पौधों में फूल आने एक माह पूर्व आने से एक माह पूर्व क्या की जाती है सिंचाई रोक दी जाती है, जिससे क्या हो जाते हैं फूल झड़ जाते हैं, इससे क्या हो जाते हैं फूल झड़, फूल झड़ जाते हैं रोक जाते हैं। और NAA क्या करना चाहिए, NAA 600 ppm का स्प्रे करना चाहिए, इसका स्प्रे करना चाहिए NAA नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड, क्या नाम होता है इसका नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड, इसका क्या नाम होता है नेफ्थेलिक एसिड, क्या नाम इसका नेफ्थेलिक एसिड
नशीन। तो एल के ये हार्मोन है, इसका 600 ppm का छिड़काव करना चाहिए। किसमें? इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद सफेदा ये विल्ट रोग के प्रतिरोधी किस्म है। इलाहाबाद सफेदा किसके प्रतिरोधी किस्म है? विल्ट रोग के प्रतिरोधी किस्म है। इलाहाबाद सुल्तान ये कौन से है? इलाहाबाद सुल्तान सरदार, जिसे क्या बोलते हैं? L49 का नाम इसका, क्या नाम है? L49 ये ब्रोंजिंग रोग के प्रतिरोधी है। किसके प्रतिरोधी है? ब्रोंजिंग रोग के प्रतिरोधी है। ब्रोंजिंग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। किसके प्रतिरोधी है? ब्रोंजिंग। एप्पल कलर, एप्पल कलर जिसके फल कैसे होते हैं? गुलाबी कलर के। एप्पल कलर किसके? गुलाबी कलर के। श्वेता ललित, ललित के फल कैसे होते हैं? गुलाबी रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? ललित के गुलाबी रंग। श्वेता और ललित कहाँ से निकाली गई है? बेंगलोर से, CISH द्वारा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब हॉर्टिकल्चर। अर्का मर्दुला, अर्का मर्दुला कोमल फल वाली वेराइटी है। अर्का अमूल्या, अर्का अमूल्या, अर्का किरण, अर्का रश्मि ये सभी नई वेराइटी है। अर्का मर्दुला, अर्का अमूल्या, अर्का किरण और अर्का रश्मि ये कैसी वेराइटी है? नई वेराइटी है। नागपुर सहारनपुर, नागपुर सहारनपुर और एक आपकी बेहद कोकोनट, ये सीडलेस वेराइटी है। बेहद कोकोनट ये कैसी वेराइटी है? ये सीडलेस वेराइटी है, बीज रहित किस्म है। कैसी किस्म है? बीज रहित किस्म। सफेद जाम, हफ्सी चित्तीदार और नासिक, हफ्सी चित्तीदार और नासिक। चित्तीदार इस वैरायटी की क्या खासियत है? इसके जो फल होते हैं उन पर यानी टिमकी होती है, चित्तीदार यानी कि टिमकी लगी हुई होती है और चित्तियां होती है। और नासिक, ये जो नासिक है इसके फल होते हैं नाशपति के आकार के। नासिक के फल कैसे होते हैं? नाशपति के आकार के। और इसके अलावा इसार ललित, इसकी जो किस्म है इसार से निकाली हुई है। अब बात करते हैं कीट, स्ट्रिपेड मिलीबग, कौन सा कीट है? स्ट्रिपेड मिलीबग, स्ट्रिपेड मिलीबग यह अमरूद का प्रमुख कीट है जो दक्षिण भारत में ज्यादा होता है। हेरिस्सा विगेटा, क्या नाम है इसका? हेरिस्सा विगेटा। कीट कौन सा है? स्ट्रिपेड मिलीबग और इसका नाम है हेरिस्सा विगेटा। रोग, रोग की बात करें तो विल, कौन सा रोग है? विल उकता रोग बोलते हैं। कौन सा रोग है ये? उकता रोग, उकता रोग। ये सारी मर्दाओं में अधिक होता है। कौन सी मर्दाओं में अधिक होता है? विल सारी मर्दाओं में अधिक होता है। इसके प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद सफेदा इसमें यह रोग कितने मिलता करते हुए किस्म ये सारी मर्दाओं में अधिक होता है। और इसका कोशिका के द्वारा होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। इसमें क्या होता है? पूरा पौधा सूख जाता है, पूरा पौधा क्या हो जाता है? सूख जाता है। ब्रोंजिंग और एक एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज फोलेटोट्राइकम सीडीआई द्वारा, इसके द्वारा फोलेटोट्राइकम सीडीआई। ब्रोंजिंग जिंक की कमी से होता है, ब्रोंजिंग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। इसके प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? सरदार, इसका नाम है L49, इसका नाम क्या है? L49। इसके प्रतिरोधी किस्म है L49। उपज 40 से 50 kg प्रति पौधा उपज प्राप्त होती है। अमरूद की उपज कितनी प्राप्त होती है? 40 से 50 kg प्रति पौधा उपज प्राप्त होती है। भंडारण 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर और 90% आर्द्रता पर इसका भंडारण कर सकते हैं। कटाई छटाई का समय फरवरी मार्च, कटाई छटाई का समय कब है इसमें? फरवरी मार्च। सिंचाई थाला विधि, सिंचाई की पक्षी भी थाला विधि अपनाई जाती है। और इसकी संगाई के लिए केंद्रीय पर्रो प्रणाली, अगर पर्रो प्रणाली काम में नहीं जाती है, कौन सी प्रणाली? केंद्रीय अगर पर्रो प्रणाली काम में नहीं जाती है। तो ये अपना जो फ्रूट प्रोटेक्शन है इसमें दूसरा फ्रूट प्लांट का अमरूद, अमरूद का वैज्ञानिक नाम क्या है?
सीडीएम मेरिटिक सीडीएम में लिए भूसूत्र संख्या इसमें 22 होती है और इसका जो मैक्सिको पेरू उत्तरी स्थान है ओरिजिन प्लेस स्थान पर है मैक्सिको पेरू और जो फल प्रकार है फ्रूट टाइप का है सरस या बेरी और खाने योग्य भाग है फल मिट्टी उष्णपाशन और जलवायु क्लाइमेट उष्ण और उपोष्ण तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 23 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड मृदा दोमट वही दोमट पीएच मान 6.5 और सबसे ज्यादा उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश और देश महाराष्ट्र देश भारत घंटों का आकार कितना रखा जाता है 0.75 मीटर या 75 मीटर आकार के घंटे तैयार किए जाते हैं रोपण दूरी 8x8 की जाती है सघन रोपण 3x6 पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी और अति सघन रोपण जिसे मेडो आर सर बोलते हैं क्या बोलते हैं इसे अति सघन रोपण कितनी रखी जाती है 2x1 मीटर 2x1 मीटर अमरूद में पैक्टिन की मात्रा अधिक होती है इसलिए इससे एक सबसे अधिक लोकप्रिय उत्पाद तैयार किया जाता है कौन सा जेली जेली तैयार की जाती है और इसमें विटामिन सी ज्यादा पाया जाता है विटामिन सी 300 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम गुड्डे में होता है और इसी पोषण मान के कारण इसे क्या कहा जाता है उष्णकटिबंधीय का सेब कहा जाता है एप्पल ओके ट्रॉपिक से कहा जाता है राजस्थान में अमरूद सवाई माधोपुर अमरूद उत्कृष्ट का केंद्र कहाँ पर है देवरावास टॉप और परवर्धन माउंट नेरी या नेरीना या स्टोल दा बाहर बाहर में पुष्पन का समय और जुलाई का समय जैसे अम्बे बार फरवरी मार्च और जुलाई अगस्त फरवरी मार्च और जुलाई अगस्त फरवरी मार्च को पुष्पन का समय और जुलाई अगस्त क्या है इसका जुलाई अगस्त जुलाई का समय मरक बाहर जुलाई अगस्त पुष्पन का समय है जुलाई अगस्त और नवंबर दिसंबर क्या है जुलाई का समय और हस्तवार में अक्टूबर नवंबर पुष्पन का समय और मार्च अप्रैल में उड़ाई का समय और सबसे अच्छी बात पूछे राजस्थान के लिए मरक बाहर अच्छी क्यों है क्योंकि इसके फल मीठे और इस समय कम रोग कीटों का प्रकोप होता है और अच्छे फल प्राप्त होते हैं बाहर नियंत्रण के लिए क्या करते हैं कि पौधों में फूल आने के एक माह पूर्व उनकी सिंचाई बंद कर दी जाती है या फिर NPK 600 PPM नेफ्थलीन एसिटिक एसिड 600 PPM का छिड़काव किया जाता है इसमें इलाहाबाद सफेदा जो हिल्ड रोग के प्रतिरोधी है और सरदार एल रंचा जो ब्रॉन्जिंग रोग के प्रतिरोधी है एप्पल कलर श्वेता दलित ये नई CISF द्वारा निकाली गई है बैंगलोर के द्वारा अर्का मरुदा अर्का मूल्या अर्का किरण अर्का रसू ये नई वैरायटीया है नागपुर सहारनपुर और बेहद कोकोनट ये सीडलेस बीज रहित किस्म है अब सी चित्तीदार नासिक चित्तीदार नासिक नासिक नाशपति के आकार के फल है ललित गुलाबी कलर की है एप्पल कलर गुलाबी कलर का गुद्दा होता है इसका स्ट्रिपेड लेबर या नाम है थेरेसा विस्केटा रोग वेट डिस्ट्रिपोडा शुरू करता है ये सारी मर्दाओं में अधिक होता है क्यूजेरियम ओक्सिस्पोरम नामक रोग द्वारा होता है ब्रोंजिंग जिसके द्वारा जिंक की कमी से होता है ब्रोंजिंग जिंक की कमी से उपज 40 से 50 kg प्रति पौधा भंडारण 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 90% आर्द्रता पर कटाई से पहले समय का बीज का फरवरी मार्च और सिंचाई किस विधि के द्वारा खाला विधि के द्वारा की जाती है।